करंट से युवक की मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का रोष। कोलीवाड़ा गांव का है मामला। कोलीवाड़ा गांव की डोबलिया ढाणी में बिजली के करंट से एक युवक की मौत को लेकर शनिवार सुबह ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और दर्जनों ग्रामीणों ने घटना के लिए विद्युत निगम के कर्मचारियों की लापरवाही को जिम्मेदार बताते हुए पीड़ित परिवार को उचित सहायता राशि दिए जाने की मांग करते हुए विद्युत सबस्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बाद में निगम के अभियंताओं द्वारा लिखित में दिए आश्वासन के बाद ही मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम आए तेज अंधड़ के दौरान डोबलिया ढाणी में 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर एक खेत की मेड़बंदी पर लगे लोहे के कटीले तारों पर गिर गया था। इस दौरान विश्राम सैनी इन कटीले तारों के संपर्क में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने शुक्रवार रात्रि को ही जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर शनिवार सुबह दर्जनों ग्रामीण कोलीवाड़ा के विद्युत सबस्टेशन पर जा पहुंचे और उन्होंने घटना के लिए सबस्टेशन पर कार्यरत निगम कर्मचारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि अंधड़ के बाद निगम कर्मियों ने जांच किए बिना ही बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी, जबकि अंधड़ के चलते इलाके में कई जगहों पर बिजली के तार टूटे पड़े थे। कुछ देर बाद मौके पर भाजपा नेता रामविलास मीना व राहवास भाजपा मंडल अध्यक्ष पौक्रमल सैनी ने जानकारी लेते हुए घटना के लिए निगम के कर्मचारियों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। कुछ देर बाद मौके पर निगम के एक सही एनएमपी गुप्ता, सहायक अभियंता सी एल सैनी एवं कनिष्ठ अभियंता राम नारायण सैनी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने राजीव गांधी सेवा केंद्र में ग्रामीणों व भाजपा नेताओं के साथ वार्ता की, जिसमें अभियंताओं द्वारा मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ही ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। इस मौके पूरण मीना, राजूलाल सैनी समेत कई ग्रामीण जनवरी भी मौजूद रहे। मैं एक्शन साहब निवेदन करना चाहूँगा। पहली बात तो घटना को 12 घंटे रात बीत गई, मतलब लगभग 16-17 घंटे के लगभग घटना में हो गई, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से 17 घंटे में एक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई विभाग अभी तक मौके पर आके नहीं की। शर्म की बात तो यह है कि पूरी रात निकल गई, पूरे अधिकारियों को मालूम चल गया, डिपार्टमेंट के को किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने यहाँ आके अब तक ये सुध नहीं ली क्या घटना कैसी हुई, किस प्रकार हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात, आज तक जो घटना घटी है अब से पहले जिन क्षेत्रों में, ज़्यादातर प्रशासन ने हमारे जनता के साथ धोखा किया कई घटनाओं में। मैं आपको रूप आप शायद आपकी जानकारी में भी है कि कई घटनाओं में मंडावरी कस्बे में कोरोना संक्रमण का एक और मामला आया, प्रशासन भी हरकत में। उपखंड के मंडावरी कस्बे में शनिवार को 4 दिनों के अंतराल में कोरोना संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा ने बताया कि मंडावरी के खट्टीक मोहल्ला निवासी 70 वर्षीय एक जना गत दिनों एक घटना में घायल होने के बाद मंडावरी CHC से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया था। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में उपचार से पहले कोरोना जांच हुई तो यह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद मंडावरी थाना पुलिस डॉक्टर बनवारी लाल जाट, मेल नर्स मोहन सिंह, पुखराज जितेंद्र पाराशर बबलू ने युवक के घर पहुंचकर उसकी संपर्क हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली और कोरोना संक्रमित के 2 परिजनों को जांच के लिए लालसोट भेजा गया। वहीं दूसरी ओर मंडावरी कस्बे में कोरोना संक्रमण का दूसरा मामला सामने आने पर प्रशासन भी हरकत में आया व कोरोना संक्रमित के घर के क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। मनोनीत पार्षद का किया अभिनंदन। नगर पालिका में नवनियुक्त सहवृत्त पार्षद कमलेश सैनी का शुक्रवार को सैनी समाज के प्रबुद्ध जनों ने अभिनंदन किया। इस मौके पर पांचूराम जमादार, सैनी समाज जिला उपाध्यक्ष गिराज प्रसाद कवनला, श्रवण लाल सैनी, सांवला राम सैनी, भजन लाल सैनी, कमलेश सैनी, ब्रिजमोहन सैनी समेत कई जनों ने नवनियुक्त सहवृत्त पार्षद का माला पहनाकर अभिनंदन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना का आभार भी प्रकट किया।